जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर आपने भी किसी एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन ली है और वो एप्लीकेशन आपको किसी भी तरीके से आपकी बात नहीं मान रही, अगर आपने लोन को डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको ज़बरदस्ती वो लोग साबित करना चाहते हैं कि आपने गलत किया, और साथ ही में आपके एक रेफरेंस नंबर पर कॉन्टैक्ट पर कॉल करके और आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी एक सीरीज़ में मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूँ कि इन सभी चीज़ों से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम में है घिरे हुए, और काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे बताया कि इस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर लाइए। तो मैं आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर, और पूरा वीडियो इन तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो अहम जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो ये मुझे पता चली है कि जो आपको कॉल्स आते हैं, जैसे आपने किसी कंपनी एक्स कंपनी से अगर आपने लोन लिया है, तो वो एक्स कंपनी वाले अब आपको कॉल नहीं करके वो क्या करते हैं, किसी एजेंट को आपका डाटा दे देते हैं कॉल करने के लिए, यानी किसी वाई आदमी को आपका डाटा देंगे कॉल करने के लिए। वो लोग डायरेक्टली आपको कॉल नहीं करते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर वो आपको कॉल करेंगे तो फिर आपसे इस बदतमीजी से बात नहीं कर सकते कि आपके घर 500 लोग लेके पहुंच रहे हैं, आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल जा रही है, 500 लोगों को कॉल करेंगे, ऐसा कुछ वो आपको नहीं बोल सकते। इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपने कंपनी के एम्प्लॉय से नहीं कॉल करा के किसी और को डाटा प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपको परेशान किया जाए। अब मैं यहाँ पर आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊँगा जो आप एकदम गौर से सुनेंगे, और अगर आपको भी कॉल करके ये लोग परेशान करते हैं तो इससे कैसे बच सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए कि कॉल आना बंद हो जाए। इनके कॉल्स आना अपने आप बंद हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो आपको बताऊंगा सिर्फ आप वो फॉलो कीजिएगा। तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग पहले सुना देता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग में क्या है और क्यों आपको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनेंगे रिकॉर्डिंग, और इसके बाद मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें। मिश्रा नो सर, बट ओनली विनीता, यहाँ पे विनीता है ओनली। नहीं, आप अगर पूरी जानकारी नहीं देंगे तो फिर बात नहीं कर पाएंगे। सॉरी सर, बट मेरा यहाँ पे ओनली विनीता है, मेरा एक्चुअली सर मुझे बता दीजिए ना सर, बता दीजिए, नाम बता दीजिए, आपकी पूरी जानकारी बता दीजिए, मुझे पता होना चाहिए मैं किससे बात कर रहा हूँ। ओके सर, एक्चुअली यहाँ पे विनीता नाम है, ऐसे बाय द वे अंजलि सिंह राजपूत। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, आप आपके ड्यू डेट जो है 8 जून की निकल रही है लाइन से। मैडम सर, मैंने अभी आपको बोल तो दिया सर, आप नाम मैंने आपको बोल दिया ना, विनीता बोल रही फाइव के वी हैव से। तो आपने पूरा नाम नहीं बताया सर, अंजलि सिंह राजपूत। अंजलि सिंह राजपूत, ओके, कौन सी आप एजेंसी से बात कर रहे हैं? सर मैं 5 की एप्लीकेशन अर्ली से अर्ली से बात कर रही हूँ सर, आपका ड्यू डेट जो है 8 जून की निकल गई, राइट सर, और आपकी माई अमाउंट सर 14,106। आप जानकारी देने में असमर्थ है। सॉरी सर, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बोल क्या रहे हैं सर? आप सुन ही नहीं रही है ना, आप अपने ही सुना रही है, इसके लिए आपको समझ में नहीं सर, सर मैंने अपना नाम बोल तो दिया सर, कितनी बार बुलवाई। कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हैं सर? 5 की एप्लीकेशन बात कर रही हूँ, 5 की एप्लीकेशन अर्ली सैलरी से बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपका 5 में लोन एक्टिवेट है ना सर। आपने शुरू में बताया आप बिहाफ पे बात कर रहे हैं, मतलब आप 5 के एम्प्लॉई नहीं है सर। 5 के बिहाफ बोला, 5 के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ सर। हाँ जी, आप बिहाफ पे बात कर रहे हैं, बराबर है, आप 5 के एम्प्लॉय नहीं है सर। 5 के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, आप बातों में मत घुमाओ मैडम, फिर आप बोलोगे आप मैंने आपको बताया आपने सुना सर, ना 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 सर, फाइव के बिहेव ही मतलब कि फाइव के रिगार्डिंग से बात कर रही हूँ, बात कर रहे हैं तो आप किसी एजेंसी से थ्रू बात कर रहे हैं, तो उस एजेंसी का नाम बताइए।
पहुंचा रहे हैं आप? हाँ जी, आप किस एजेंसी से बात कर रहे हैं? आप एम्प्लॉयड हैं आप? अच्छा, एम्प्लॉय से बात करना चाहते हैं सर? आप कहाँ पे एम्प्लॉयड है? आपकी एजेंसी का नाम क्या है? सर मैंने बोलते एप्लीकेशन कंपनी से बात करी, फाइव के एप्लीकेशन से सर, अर्ली से अर्ली से जहाँ से आपका लोन लिया है ना, वहाँ से लोन चल रहा है। पूछी गई जानकारी देने में असमर्थ होने के कारण फोन डिस्कनेक्ट किया जाएगा। सर आप बात क्या करना चाहते हैं? फिर ना सर आप क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? आपके जो बात है डिटेल्स है वो मुझे जवाब दे दीजिए ना आप। देखिए, अब ये ऑडियो सुन के काफ़ी लोगों को नहीं कुछ समझ में आया, तो मैं उनको समझा देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर एक लेडीज है, वो कॉल करके ये बोल रही है स्टार्टिंग में कि वो फाइव के बिहाफ में आपको उसने कॉल किया, ना कि फाइव कंपनी से कॉल गया है। आपने अगर गौर किया होगा स्टार्टिंग में, ये आदमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी था और मेरा सब्सक्राइबर था, जिन्होंने मुझे पूरी डिटेल्स सेंड की और बताया कि देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कहा है कि ये फाइव के बिहाफ में कॉल कर रहे हैं, ना कि फाइव एप्लीकेशन से कॉल कर रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद अपना चेंज करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, फाइव के रिगार्डिंग कॉल कर रहे हैं, यानी फाइव से कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या सच्चाई है, तो ध्यान से ये सुनिए कि अगर कभी भी कोई आपको कॉल करता है तो सबसे पहले आप उससे उसका पूरा नाम पूछें कि वो पूरा नाम क्या है, और उसके बाद ये पूछें कि आखिर वो कहाँ से कॉल कर रहा है। अगर वो आपको जानकारी देने में किसी भी कारण से असमर्थ है तो आप उससे कृपया करके बात ना करें। उसको पहले बोले कि पहले तुम मुझे जानकारी दोगे, उसके बाद ही मैं बात करूंगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या पता कोई भी आदमी मुझे कॉल करके मुझसे कुछ फ्रॉड कर ले, इसीलिए पहले तुम अपनी जानकारी मुझे प्रोवाइड करो कि आखिर तुम्हारा पूरा नाम क्या है, एम्प्लॉयर आईडी क्या है, और साथ साथ में किस एजेंसी से बात की जा रही है। ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको भी होना आवश्यक है। जब उनके पास आपकी पूरी जानकारी है तो आपके पास भी उनकी पूरी जानकारी होने का अधिकार है, इसीलिए आप उनसे उनकी पहले पूरी जानकारी लें। उसके बाद लोन के बारे में अगर आपको वो लोग ज़्यादा टॉर्चर करते हैं या ज़्यादा आप पे प्रेशर बनाते हैं तो एक बार सिर्फ और सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, और अगर वो कुछ गलत बोल देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम में आगे चल के फंस सकती है, वो कंपनी या वो लोग भी आगे चल के प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसीलिए कभी भी बात करते समय आप रिकॉर्डिंग को ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब अगर ऐसी कॉल्स आपको भी आती है और आप सोचते हैं कि मैं बार बार कॉल उठाता हूँ और ये लोग से बहस करके और मेंटली हरास होता हूँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? और अगर नहीं कॉल उठाते हैं तो ये लोग के रेफरेंस नंबर पर कॉल करते हैं, जिस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो वो भी आप लोग चेकआउट करेंगे कि उस पर आपको कैसे मैंने बताया है कि हैंडल कैसे टैकल करना है। तो अभी फ़िलहाल इसके लिए आप लोग सुनिए कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है, तो जैसे कि आपको कोई कॉल आता है, आपको पता है कि इस कंपनी से कॉल आया है, आपने कॉल को करना है रिसीव, हेलो बोलना है, और हेलो बोलने के बाद फ़ोन को नीचे रख देना है और आप जो वर्क कर रहे हैं उसको करते रहिए। ये यहाँ पर एक मिनट दो मिनट हेलो हेलो बोलेगा और फिर फ़ोन काट देगा। अगर ये दोबारा फिर से कॉल आता है तो फिर दोबारा आप कॉल को कीजिए, रिसीव कीजिए, और उसके बाद फिर फ़ोन को नीचे रख दीजिए। अब वो एक दो मिनट खुद हेलो हेलो बोलेगा और फिर फ़ोन को काट देगा। इस तरीके से वो जितनी बार कॉल करते हैं, आप सीधे कॉल को करें रिसीव हेलो बोल के और फिर फ़ोन को नीचे रख दें, उसका कोई जवाब दे ही नहीं। वो कितनी बार कॉल करेगा? एक दिन में 10 बार, दूसरे दिन 5 बार, तीसरे दिन 2 बार, और एक हफ्ते बाद 1 बार। ऐसे करके आपकी कॉल्स आना भी दोस्तों कम हो जाएगी, और आपको पास ये भी रहेगा कि आपने उनकी कॉल रिसीव नहीं की, ऐसा भी वो लोग आपको नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास तो पूरा रिकॉर्ड है कि आपने उनकी सभी कॉल्स को रिसीव की। अब भले किसी कारण से आवाज़ नहीं पहुंची, वो नेटवर्क का इशू हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन आपका ये उनका जो बार बार कहना होता है कि आपने हमारी कॉल को रिसीव नहीं की, रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो ये आपको नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने उनकी हर कॉल का रिस्पांस दिया और उनकी हर कॉल को पिक भी की। अब आवाज़ नहीं गई, इसमें तो दोस्तों आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी की प्रॉब्लम है, वो कंपनी समझेगी। फिलहाल के लिए आप इस चीज़ को फॉलो करें। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो आपकी कॉल्स आनी वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये कि बाद में कंपनी आपको ये क्लेम नहीं कर सकती है कि आपके कॉन्टैक्ट पर आपने जब रिस्पॉन्स नहीं किया था तब कॉल गई थी। अब यहाँ पर ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कैसे टाइम लें कंपनी में, कैसे उनको बताएं,
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।